नमस्कार दोस्तों, रोजाना राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सकें। तो आइए दोस्तों जी के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 जून 2021 के आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप उस सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं यशमी ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीजों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी। साथ ही दोस्तों वीडियो के मध्य में आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे विचार दिए गए हैं जिन्हें आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों इन रविवार का दिन रहेगा, शुक्र पक्ष की दशमी तिथि रहेगी और चित्रा नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों इन योग की बात करें तो परिघ नाम का शुभ योग रात्रि के 8:59 रहेगा। उसके उपरांत दोस्तों इन दिन बहुत ही शुभ योग शिव नाम का शुभ योग बन रहे हैं। और दोस्तों इन राहुकाल के समय की बात करें अर्थात अशुभ समय की, यह समय आपको भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों यह समय रहेगा शाम के 5:30 से लेकर रात्रि के 7:11 तक। और दोस्तों चंद्रमा दिन कन्या राशि के उपरांत तुला राशि में संचार कर जाएंगे। जिसकी सोच में खुददारी की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है और जिसकी नियत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब होता है। झूठ बेवजह दलील देता है, सच खुद अपना वकील होता है। सब खामोश है यहाँ, कोई आवाज नहीं करता, सच बोलकर कोई किसी को नाराज नहीं करता। आईना भला कब किसी को सच बता पाया है, जब भी देखो दायां तो बायां ही नजर आया है। दोस्तों हर शख्स दोहराता है ये जुमला हर रोज की, मुझे झूठ से नफरत है, मैं परेशान हूँ ये सोचकर कि आखिर झूठ बोलता कौन है। दोस्तों तीन चीजें अधिक समय तक छिप नहीं सकती, सूरज, चंद्रमा और सत्य। अगर आप सच देखना चाहते हैं तो ना सहमति और ना असहमति से राय रखिए। दोस्तों कश्तियाँ गलतफहमियों की झूठ के समंदर में कब तक बेखौफ चलेगी, डूब जाएगी खुद ब खुद ही जिस वक्त वह सच के किनारों पे मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। देनी राशिफल। दोस्तों यह समय शांतिदायक व फिर धनदायक चल रहा है, घर में उचित व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश भी कामयाब रहेगी। विद्यार्थियों को भी यह समय उच्च अध्ययन व फिर अनुसंधान में उचित परिणाम भी हासिल होंगे तथा जीवन बहुत ही सहज और सरल प्रतीत होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में किसी प्रकार के आवागमन संबंधी कार्यों को स्थगित रखें दोस्तों, क्योंकि इनमें समय जो है व्यर्थ होने के अलावा कुछ नहीं आपको हासिल होगा। दोस्तों घर के किसी नजदीकी सदस्य के वैवाहिक जीवन में अलगाव जैसी स्थिति उत्पन्न होने से घर में जो है थोड़ा सा तनाव भरा वातावरण भी रह सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि अपनी गलतियों के बार बार याद करने से आपको सिर्फ तकलीफ ही हो सकता है। दोस्तों जिन बातों को आप बदल सकते हैं उनको बदलने की कोशिश करें, केवल विचार करके आप खुद को तकलीफ दे रहे हैं। दोस्तों कुछ बातों में विचार व्यक्त करना भी आपके लिए इसमें अत्यंत आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार के तनाव का अपनी नींद पर असर ना होने दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि यश में आप फालतू की गतिविधियों में ध्यान हटाकर अपना ध्यान को अपने कार्यों के पर केंद्रित रखें। ग्रह स्थितियां यश में अनुकूल है, आपके रुके हुए काम सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे, घर का माहौल भी यश में अनुशासित रहेगा। किसी सामाजिक धार्मिक समारोह में जाने से लोगों के साथ मेल मिलाप भी यश में आपका बढ़ेगा। इसको प्रांत दोस्तों यश में किसी समय आपका मन में छोटी छोटी बातों को लेकर विचलित रह सकता है, परंतु दोस्तों यश में अपनी मन स्थिति पर नियंत्रण रखना भी आपके लिए अति आवश्यक होगा, क्योंकि दोस्तों इसका नकारात्मक प्रभाव या फिर नकारात्मक असर आपके पारिवारिक जीवन पर भी पड़ सकता है। दोस्तों भाइयों के साथ संबंध इसमें अवश्य मधुर बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि आपके विचारों के सीमित दायरे से बाहर निकाल कर आप अपनी सोच को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, दूसरों से मिले सुझाव को जो है समझने की कोशिश भी करेंगे। और दोस्तों ये जो समय आपके लिए, आप अधिक से अधिक व्यक्ति के परिचय में आने की वजह से नई बातों को भी सीखना आपके लिए इसमें आसान होगा।
इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लिए शुभ होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि कलात्मक तथा रुचिपूर्ण कार्यों में विशेष समय व्यतीत होगा और दोस्तों आप अपने आप को बहुत ही ऊर्जावान यशोमय महसूस करेंगे। किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह में या फिर विवाह से संबंधित रिश्ता आ सकता है। विदेशी संपर्क सूत्रों से अच्छी इनकम होने की संभावना यशोमय बन रही है। विदेशी संपर्क सूत्रों से यशोमय अच्छी इनकम होने की संभावना बन रही है। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय कुछ काम बनते बनते बीच में भी रुक सकते हैं। इनकी वजह से आपकी ही एकाग्रता में कमी होना चाहिए। दोस्तों यशोमय खर्चों के प्रति कंजूसी करना भी परिवार के लिए दिक्कतें उत्पन्न कर सकता है। अपनी भावनाओं पर यशोमय आप काबू रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लिए शुभ होंगे। आपको बता दें कि आपके अंदर काफ़ी बेचैनी बढ़ रही है, लेकिन दोस्तों इन बेचैनी को अभी आपको जो है व्यक्त नहीं करना चाहिए। फिलहाल दोस्तों आप परिस्थिति केवल देख रहे हैं और लोगों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आपके विचार और योजनाओं को दूसरे के द्वारा न समझ पाना फिलहाल आपके लिए उपयुक्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लिए शुभ होंगे। आपको बता दें कि यशोमय आपकी परेशानियों में नज़दीकी रिश्तेदारों का सहयोग आपके लिए मनोबल को बनाकर रखेगा। दोस्तों जिनकी वजह से आपको तनाव से काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य का जो नींव है इन्हें रखने के लिए जो दिन है आपके लिए बहुत उत्तम दिन होगा। यशोमय अतिरिक्त आय की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। तो दोस्तों यशोमय अपने कार्य के प्रति अपना ध्यान को केंद्रित रखें। इसके उपरांत दोस्तों कुछ गलत प्रवृत्ति के लोग आपके कामों में विघ्न डाल सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ कोई भी संपर्क ना रखें। फिजूल खर्ची से भी यशोमय आपको बचना जरूरी है। दोस्तों पारिवारिक जनों पर बहुत अधिक अनुशासन बनाकर रखना उन्हें परेशान कर सकता है। दोस्तों उन्हें भी यशोमय थोड़ा सा छूट दें। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों जीवन से जुड़ी किसी एक बात को प्रगति की ओर ले जाने का निर्णय यशोमय आप ले सकते हैं और उसके लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं और उसी के लिए प्रयत्न आपके द्वारा किए जाएंगे। दोस्तों आपको आगे बढ़ने के लिए जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी दोस्तों वह आसानी से आपको यशोमय मिलने वाला है। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय खुद के अंदर बदलाव लाने की वजह से आपके काम की क्षमता यशोमय बढ़ रही है और दोस्तों करंट परिस्थिति में भी आप यशोमय डगमगाएंगे नहीं, ये आपके लिए यशोमय बेहतर होने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यशोमय आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। व्यवसाय के स्थल पर शांतिपूर्ण माहौल बना रहेगा, परंतु अपने काम की क्वालिटी की ओर अधिक आपको ध्यान देना चाहिए, इन्हें बेहतर बनाना चाहिए। दोस्तों यशोमय किसी ऑर्डर के निरस्त होने की आशंका भी बन रही है। नौकरी पेशा स्त्री वर्ग को विशेष रूप से कोई अथॉरिटी यशोमय मिल सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि मीडिया, आर्ट, कंप्यूटर आदि से संबंधित व्यवसाय में यशोमय लाभदायक स्थितियां रहेंगी। ये जो समय है आपके लिए किसी भी नए काम में दिलचस्पी ना लें। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने जो है डिपार्टमेंट में किसी प्रकार का महत्वपूर्ण अथॉरिटी प्राप्त हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि स्त्री वर्ग से जुड़े बिजनेस सफल रहेंगे। कोई पार्टनरशिप करने की अगर सोच रहे हैं तो दोस्तों उसे तुरंत क्रियान्वित करें, इसमें सफलता मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। दोस्तों नौकरी पेशा स्त्रियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी यशोमय बन रही है। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसाय में बहुत अधिक यशोमय व्यवस्था बनी रहेगी, परंतु आपकी मेहनत के परिणाम भी यशोमय बहुत ही उचित और उत्तम प्राप्त होंगे। दोस्तों दिन के दूसरे पक्ष में व्यापार संबंधित दिक्कतें भी आ सकती है, हालांकि दोस्तों आप जो अपनी सूझबूझ द्वारा उन्हें हल भी करने में यशोमय सक्षम रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यशोमय पारिवारिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों में सामंजस्य बनाकर रखना घर के माहौल को सुखमय बनाकर रखेगा। विवाहेतर संबंधों से दूरी बनाकर रखना यशोमय आपके लिए अति आवश्यक होगा। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लव लाइफ के लिए समय होगी। दोस्तों आपको बता दें कि यशोमय जीवन साथी के साथ संबंध जो है भावुकतापूर्ण रहेंगे। विवाहेतर संबंधों की भी यशोमय उभर सकते हैं, परंतु इसका नकारात्मक असर आपके पारिवारिक जवानों के या फिर पारिवारिक जीवन पर पड़ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपको बता दें आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे। दोस्तों दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा और तथा घर परिवार का वातावरण भी यशोमय सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों यशोमय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों यशोमय पति पत्नी के संबंध भी खुशनुमा रहेंगे तथा परिवार के साथ किसी धार्मिक अनुसंधान में जाने का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है।
इसके उपरांत दोस्तों यशोमय, अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों सेहत यशोमय ठीक रहेगा, परंतु तनाव जैसी स्थितियाँ आपको यशोमय बेचैन कर सकती है, इनसे आपको बचना चाहिए। सिर दर्द की समस्या आपको यशोमय परेशान कर सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके स्वास्थ्य आपके सेहत के लिए जो समय होंगे सिर्फ वातावरण से आपको अपना बचाव करना चाहिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए यशोमय बेहतर होंगे। इसके साथ ही दोस्तों गैस तथा अपरा की स्थिति भी रहेगी। खान पान व फिर दिनचर्या बहुत ही अधिक संयमित रखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए यशोमय बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लिए समय होंगे, गलत खान पान की वजह से पेट खराब भी हो सकता है तथा गैस व फिर एसिडिटी जैसी समस्या भी आपको यशोमय परेशान कर सकती है। तो दोस्तों इन सभी से बचाव करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए यशोमय बेहतर होंगे। और दोस्तों इधर भाग्यशाली रंग रहेगा आपका पीला और भाग्यशाली अंक रहेगा।